हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए, आपके टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिससे आप एक साइड इनकम या मैं बोलूँ एक स्ट्रेटेजिक साइड पैसिव इनकम और इनकम स्ट्रीम को जनरेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम अपने लाइफ को चार पार्ट में डिवाइड करें तो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में मिलते हैं। पहला है हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये चार एस्पेक्ट्स में ही हमारा लाइफ घूमते रहता है। तो हमको इसी बात को ध्यान रखना है, इसी बात से हम लोग को अपने आप के अपना सलूशन को खोजना है। तो आप पहले एक शीट ले लीजिए, आप शीट लेकर 5 मिनट के लिए बैठिए और थोड़ा सोचिए कि कौन सा एस्पेक्ट्स में आपका वीक पॉइंट है। आप कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। आप हेल्थ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, वेल्थ में हो सकता है, हैप्पीनेस में हो सकता है। ये चारों में से कौन सा एस्पेक्ट्स में आप एक तरह से एक काम कर सकते हैं, आप स्कोर दे सकते हैं। चारों एस्पेक्ट्स को स्कोर बोर्ड की तरह स्कोर दे सकते हैं कि आप उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्कोर सबसे कम है और उसी पे आप काम करना शुरू कीजिए। मान लीजिए मेरा है वेल्थ का एस्पेक्ट, सो मेरा वेल्थ का जो एक्सपेक्ट है बहुत ही ज़्यादा लो है। मान लीजिए 10 में से 2 पॉइंट्स मिले, तो मैं वेल्थ पे ध्यान दूंगा। तो और मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा इनकम स्ट्रीम जनरेट करने को कि मैं अपना एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकूँ और ये जो डिसीजन पीरियड चल रहा है या फिर जो आने वाला है वर्ल्ड वाइड, उससे मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर सकूँ। सो इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक्स को कवर करने वाला हूँ। कुछ बेसिक्स को कवर करके आपको एक आपके लिए एक बेस तैयार करने वाला हूँ। उसके बाद मैं कमिंग वीडियोस में आपको एडुकेट करूँगा किस तरह से बहुत सारे सोर्सेस को मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आप अपना अपने आप को पढ़ा सकें और आप एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकें। और मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कुछ बहुत सारे वीडियोस YouTube में आपको मिल जाएंगे कि कैसे आप 100 रुपया पेटीएम से कमा सकते हैं या कैसे आप सर्वे कंप्लीट करके बहुत सारे रुपया कमा सकते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं वो सब जो वीडियोस हैं वो कुछ मैं बोलूँगा कि आप हाँ हो सकता है कि आप 100 रुपया 50 रुपया कमा लिए, लेकिन आप जो उसमें टाइम दे रहे हैं ना 100 रुपया कमाने में, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम को आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप हो सकता है कि अब उस समय 100 रुपया ना कमाएं, लेकिन कमिंग फ्यूचर मीन्स कमिंग टाइम तो आप बहुत सारे रुपया और एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब हर महीना आपको उस तरीके से पैसा आते रहेंगे, तो आपके पास एक सेफ गार्ड रहेगा फाइनेंशियली। सो मैं जो पहला पॉइंट लेके आना चाहता हूँ वो है कोर्सेस को कम्प्लीट करना। बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट में जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, और यूडेमी एक बहुत ही अच्छा जगह है। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज को फ्री कर दिया गया है इस क्वारंटाइन पीरियड के लिए। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके फ्री कोर्सेज को कीजिए। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, हैप्पीनेस रिलेटेड, सो आपको फ्री कोर्स ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन विथ माई एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो क्या होता है कि जो फ्री कोर्सेस है वो काफ़ी एवरेज है, बोला ठीक ठाक टाइप का होता है, अच्छा नहीं होता उतना ज़्यादा। तो इसलिए आखिर आपको प्रोफेशनली कुछ और ज़्यादा अच्छा तरीके से समझना है तो आप मैं बोलूँगा प्रेफर करूँगा कि पेड कोर्स पे जाइए। अगर आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है ये सब इन्वेस्टमेंट्स। आपके लिए मैंने यूडेमी का जो फ्री कोर्सेज का सीरीज़ पूरा का पूरा जो गुच्छा है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और कुछ सिलेक्टेड पेड कोर्सेज मैंने डाल के रखा है। आखिर आपको ख़रीदना भी नहीं होता, एक बार चेक जरूर कीजिए, हो सकता है उसके रिलेटेड आप कुछ फ्री कोर्सेज खोज पाएँ। सो रीडिंग बुक्स दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुक रीडिंग हैबिट्स आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद करता है। रीडिंग बुक हैबिट्स आपको विजडम प्रोवाइड करता है, आपको एक सोचने का तरीका बताता है। बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ बुक है, जैसे फाइनेंशियल बुक्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिच पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी का आप स्टार्ट कर सकते हैं, और तो कुछ अपना हैबिट चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ नया हैबिट को इंक्लूड करना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर बहुत ही अच्छा बुक है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर देखिए अभी तो आप पेपरबैक बुक्स नहीं या फिर बुक मंगा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन के चक्कर में आप बुक नहीं मंगा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ई बुक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको बुक्स चाहिए, आप
ई बुक्स चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी के एकदम अच्छे व्यू ई बुक्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप, मैं गूगल फॉर्म नीचे डाल चुका हूँ, उसमें 3 पॉइंट्स होगा, ईमेल आईडी होगा आपका, कौन सा बुक चाहिए, और तीसरा जो है वो है आपका कौन सा, आपका इंटरेस्ट किस में है, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। सो आप वो फॉर्म फिलअप करके छोड़ दीजिए, मैं आपको पर्सनली ईमेल कर दूंगा वो बुक, जो जो बुक चाहिए, जितना भी बुक चाहिए आप डाल सकते हैं, मैं आखिर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर आपको मेल कर दूंगा, मैं ये हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। सो आखिर आपको ये हेल्प अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए बिल्कुल, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट एक वीडियो बन जाता है सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे लॉकडाउन पीरियड में फ्री टाइम को अपना फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा जो मैं पॉइंट लेके आना चाहता हूँ गूगल की तरफ से, वो है सर्टिफिकेशन बाय गूगल। सो डिजिटल गैरेज बाय गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सा 126 फ्री कोर्सेज डाल के रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, और बिजनेस रिलेटेड कोर्स, कैसे आप बिजनेस को ऑनलाइन ले के जा सकते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जो फ्री में आप कर सकते हैं वहाँ पे गूगल पे। तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में जितना भी कुछ बोल रहा हूँ उसका सारे सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक बार चेक जरूर जाके कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ना लॉकडाउन को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए 3 मई तक बोला गया है, लेकिन देखिए अब कितना दिन बाहर नहीं निकल सकते ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि जो कंडीशन देख रहा है जैसे जैसे बढ़ रहे हैं केसेस उसमें बहुत हार्ड हो जाता है। तो आप इस पे ध्यान फोकस कीजिए, अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए ये सब चीज़ों से। वर्क फ्रॉम होम बहुत हार्ड हो जाता है इस सेंस में, क्योंकि हमारा आदत होता है 9 से 5 या फिर 10 से 7 जैसे अपना अपना जॉब करने का, तो उस समय हमारा एक्टिव माइंड रहता है, उसके पहले या उसके बाद में हमारा एक्टिव माइंड क्या होता था, मैंने माइंड उतना एक्टिव नहीं रहता, तो इस चीज़ को हम लोग को इम्प्रूव करना ज़रूरी हो जाता है घर से काम करने के समय। तो 3 मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ जिससे आप अपने आप को शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रख के अपने आप का अपना काम कर सकते हैं। तो पहला होता है मेकिंग शेड्यूल, अपना एक प्लानिंग बनाना, एक शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है घर से काम करते समय। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए क्या क्या करना है आपको पूरे दिन में, तो उसका एक शेड्यूल बना लीजिए, और अपना जितना भी काम है उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, कौन सा काम पहले उसके बाद कौन सा, उसके बाद ये प्रायोरिटाइज करने के बाद हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप में आते हैं, वो है स्टार्ट अर्ली, बहुत जल्दी शुरू करने का स्टेप, सुबह सुबह शुरू कीजिए पॉइंट्स को। क्यों? क्योंकि सुबह का जो माइंड होता है, हमारा जो माइंड होता है सुबह में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो हम लोग अपना काम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, जो हेल्प करने वाला है घर से काम करने में, बहुत हेल्प करने वाला है। सो अब ये सब इस वीडियो के लिए, ये सारे का सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं बहुत जन के लिए, लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट इसलिए किया हूँ ताकि मैं हेल्प कर सकूँ आपका। तो आपको अगर कोई भी बुक चाहिए तो आप मुझे वो गूगल फॉर्म में फॉर्म फिलअप करके, वो गूगल फॉर्म से मैं आपको मेल कर दूँगा, मैं इंडिविजुअली मेल करूँगा सबको जिसको इसको जो जो बुक्स चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप कमेंट के थ्रू ही मेरे पास पहुँच सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं आप चाहे तो। मगर देख पॉइंट ये आ जाता है कि क्यों नहीं हम लोग अपना टाइम को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग अपना समय को ध्यान देते हैं या समय को इन्वेस्ट करते हैं ऐसे कामों पे जिससे हम लोग एक पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकें, ताकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ सबसे जो नहीं करते हैं, जो करते हैं वो तो उनसे मैं सीखता हूँ, बिल्कुल मैं सीखता हूँ, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर इतने दूर तक आने के लिए, अगर आप पूरे लास्ट तक आए हैं तो मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए सारे टॉपिक्स को इन डिटेल्स में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह का वीडियो शेयर होना, लोगों को जानना, लोगों तक पहुँचना, इस तरह का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो।